अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम और तुम्हारी वो बेटी गोपिका, तुम दोनों का इतना बुरा हाल करेंगे तुम सोच नहीं पाओगी। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से अगर अगली बार हमारी बेटी का नाम भी लिया तो। गंदी जुबान? हमारी जुबान तुम्हें गंदी लग रही है और तुम्हारी गंदी नियत का क्या? तुम्हारे सामने झोली फैला कर भीख मांग कर रोए किड़किड़ाए तुम्हारे पैर तक अकड़े हाथ जोड़े थे तुम्हारे सामने कि हमारी खुशियों में आग मत लगाओ, लेकिन तुम हमारे पति को हमसे दूर करना चाहती हो, हमारे बेटे शिव के पिता को उससे दूर करना चाहती हो, हमारी गृहस्थी में आग लगाना चाहती हो, हमारी खुशियां हमारा बसा बसाया घर सब बर्बाद करना चाहती हो ना? तुम एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे कदम हमारे जीत की तरफ बढ़े तो हम तुम्हारे कदमों को तोड़ देंगे। देख रहे बेटी को लो और हमेशा के लिए यहां से दफा हो जाओ, भूलना मत हम क्या कर सकते। दफा हो जाओ, हम कभी वापस नहीं आना चाहते थे और ना ही जीत की जिंदगी में, लेकिन तुम्हारे ये जो घिनौने कारनामे हैं ना, यही कारनामे हमें बार बार जीत के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। इसीलिए हमें दोष देना बंद करो। बताओ, जिस बच्चे के पापा इतने बीमार हो, जिनके पेट में खाना ना पच रहा हो, वो बच्चा उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ बैठा है। तुम्हें पता है ना शिव, अगर और थोड़ी देर तक तुम्हारे पापा को खाना नहीं मिला तो क्या होगा? क्या होएगा? राम प्यारे हो जाएंगे, वो भगवान जी आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे हमेशा के लिए, फिर कभी नहीं लौटेंगे तुम्हारे पापा। फिर तो ये अकेला रह जाएगा और वो गोपी? ओहो, उसे तो मैं भूल ही गई। वो गोपी से कौन बचाएगा बेटा फिर तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा, मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? दवाई को डॉक्टर अंकल देंगे ना? दवाई डॉक्टर अंकल देंगे, मगर खाना तो तुम दे सकते हो ना। चलो जाओ और कुछ ऐसा बनाओ जिसे खा के तुम्हारे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा बनाओ जो उन्हें पसंद हो, और तुम बनाओगे ना तो वो खाने के लिए मना भी नहीं कर पाएंगे। वो मेरा हाथ का बना हुआ खाना जरूर खाएंगे। हाँ, मैं अभी जाके उनके लिए खाने के लिए बनाता हूँ। चलो ये अच्छा है, मुलुक रानी घर में है नहीं, जीत के मम्मी पापा जीत गौरी और कृष्णा में उलझे हुए हैं, और इसे भी हमने काम पे लगा दिया। लगता है अपने राज करने के दिन करीब आ रहे हैं रूपा। चोट नहीं लगी? वो रूबा चाचा ने बोला था अरे पापा खाना नहीं खाएंगे
तो भगवान उनको लेके चले जाएंगे और मैं पापा के बिना नहीं रह सकता। तो हम यहाँ पापा के लिए खाना बनाने आए थे और हम गिर गए। पता नहीं आपने हमारी किस्मत में क्या लिखा है महादेव, लेकिन अगर आप हमें यहाँ लेकर आए हैं तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। आपके पापा के लिए खाना बनाना है ना, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। थैंक यू कृष्णा, आप बेस्ट तो। एक बार वो इंस्पेक्टर का पता करके आते, वो ठीक है या नहीं फिर आके खुद भी रेस्ट कर लेंगे। जीत की लो, पानी पियो थोड़ा सा प्लीज आराम से। पहले जीत को हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद था, शायद इससे कुछ फर्क पड़ जाए। अभी आईवी ही हमारी लास्ट ऑप्शन है। अगर इसके जरिए ये लिक्विड डाइजेस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, चाहे तो हमारे प्राण ले लीजिए पर हमारे जीत को बचा लीजिए। कुछ नहीं खा पा रहा है हमारा बच्चा, कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। जीतम ठीक तो डॉक्टर, सब कुछ कीजिए ना प्लीज। माँ, वो इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? तबीयत ठीक है ना अब उनकी? मम्मी जी वो चली गई। हाँ जीत, उनकी तबीयत ठीक है और वो अपने घर वापस चली गई। तुम चिंता मत करो शिव। ये खाना है ना, जाके अपने पापा को खिला दो, देखना इसे खा के ना वो चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है। पापा, मैंने आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाया है। शिव, ये सब आप हमारा बच्चा, इसे लाओ यहाँ दो। शिव, बेबी आपके पापा की ना अभी वाकई में तबीयत खराब है थोड़ी सी। आप एक काम करो ना, आप जाओ जाकर खेलो, अभी मस्ती का वक्त नहीं है। ओके, ये हमें दे दो, चलो जाओ। गौरी, शिव इतने प्यार से जीत के लिए कुछ बना के लाया है, शिव को खिलाने दो ना उसे अपने हाथ से, हो सकता है कि कुछ चमत्कारी हो जाए। कोशिश तो करने दो उसे। जाओ खिलाओ। पापा खाओ।
और खाओ पापा। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। हे महादेव, हमारे जीत को ठीक कर दीजिए। ये खाना तो इन्हें डाइजेस्ट हो रहा है। हे भोलेनाथ, जल्दी से हमारे जीत को ठीक कर दो। शिव, आपने तो कमाल कर दिया बेबी। आपने ये खाना कैसे बनाया, क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन देखो ना, आपका बनाया हुआ खाना पापा खा पा रहे हैं। पर ये खाना मैंने नहीं बनाया है। तो फिर किसने बनाया बेटा? तुम्हारे आते ही हमारे जीत की तबीयत में बहुत सुधार आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम झोली फैलाकर तुमसे विनती कर रहे हैं कृष्णा, जब तक जीत की तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तुम यही रुक जाओ ना, हमारे जीत को बचा लो, बचा लो हमारे बच्चे को। ये आप गलत कर रही हैं मम्मी जी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीत की जान डॉक्टर्स ने बचाई है, कृष्णा ने नहीं। बेहतर होगा कि ये यहां से चली जाए। नहीं गौरी, हम ये बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्या कहा तुमने कि डॉक्टर्स ने सब कुछ किया है? क्या किया डॉक्टर ने? डॉक्टर लोग कब से लगे हुए हैं? और जीत की हालत में थोड़ा भी सुधार आया आया क्या? लेकिन जब से जीत ने कृष्णा के हाथ का बना खाना खाया, वो खाना उसे पच गया। और तुम इससे कह रही हो कि चले जाए यहां से? नहीं गौरी, तुम सिर्फ अपने स्वार्थ में ये बातें कह रही हो कि कृष्णा यहाँ से चली जाए, चाहे उसके बाद हमारे बेटे का भले कुछ भी हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं गौरी, हम ये नहीं होने दे सकते। हाँ, कृष्णा कहीं नहीं जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि कृष्णा के रूप में इस घर की दहली फिर कभी लांघेंगे, पर हम जीत को इस हाल में नहीं छोड़ सकते और यहाँ रह भी नहीं सकते, क्या करें? आप लोगों को वाकई में लगता है हम स्वार्थी? अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? मम्मी जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं ऐसा? हम ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए कर रहे हैं। हमें भी बहुत फिक्र है हमारे जीत की, और दादी यहाँ नहीं है ना, इसलिए आप लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए कि अभी भी ना इस घर में ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इस घर से बाहर चाहते हैं। इसलिए बहुमत के अनुसार हम ये कह रहे हैं कि ये इस घर में नहीं रह सकती, इसे इस घर से बाहर जाना होगा अभी। शिव, हमें बहुमत का मीनिंग नहीं पता, पर मैं भी यही चाहता हूँ कि किश्मा यहाँ से नहीं जाए, क्योंकि किश्मा का हाथ का बना हुआ खाना पापा खाएंगे तो पापा जल्दी ठीक होंगे। तुम भी यही चाहते हो ना गौरी? शिव,
प्लीज किस्मा, यहाँ से मत जाओ प्लीज। नहीं कृष्णा, मत जाओ यहाँ से। जिस बच्चे को हमने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसे हमने जन्म दिया, 6 साल जिसकी परवरिश हमने की, आज वो एक झटके में हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, और वो भी इस कृष्णा के साथ। शिविधा रहो हमारे साथ, अपनी मामा के पास आ। अपनी बाबा के खिलाफ जाकर ऐसे बाहर वालों के साथ खड़े नहीं होते, अच्छी बात नहीं होती है। और आपको मामा ने सिखाया है ना, जब बड़े लोग बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी शिव, इन आंटी को यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि तुम ये चाहती हो, इसलिए। जिसे रहना है उसे तो पूछो एक बार। क्यों पूछ रहे हम इससे? लगती कौन नहीं है हमारी, और क्या फर्क पड़ता है हमें इससे कि ये क्या चाहती है और क्या नहीं? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को ना हो क्या गया है। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है मम्मी जी, ये यही चाहती है कि वापस इस घर में घुस सके। इसे मौका चाहिए हमारे जीत की, हमारे पति की जिंदगी में दोबारा से घुसने का। लेकिन हम जीत की पत्नी है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। गौरी तुम खुद सोच कर देखो, अगर कृष्णा को इस घर में वापस आना होता तो इतने सालों तक बाहर क्यों रहती वो? हमें नहीं पता बाऊजी, ये सब हमें नहीं पता, उससे पूछिए ना। लेकिन ये बात दोबारा वापस नहीं आने देंगे, अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर चली जाओ। चली जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? इसमें नहीं रहेगी हमारे साथ, है ना कृष्णा? यहाँ रुकने के बारे में सोचना भी मत कृष्णा। भूल गई कि 6 साल पहले क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ये बीती हुई बात है कृष्णा, सच तो ये कि जीत आज भी तुमसे प्यार करता है, उसे जरूरत है तुम्हारी। नहीं कृष्णा, जिस जीत की आज तुम्हें इतनी चिंता हो रही है ना, याद है कैसे उसने तुम्हारे बच्चे के मरने का इल्जाम तुम पर ही लगा दिया था? हाँ, और अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया था तुम्हें, और फिर पलट कर कभी तुम्हारे पास तुम्हें देखने भी नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि जीत को लगा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तुम जिंदा ही नहीं हो। अगर उसे पता होता तो वो तुम्हारे पास जरूर आता। गलत फहमी है तुम्हारी कि जीत को और उसके परिवार को आज भी तुम्हारी चिंता है। मतलब ही है सबके सब, उनको तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज भी ये लोग तुम्हें यहाँ रोकने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जीत को तुम्हारी जरूरत है। नहीं कृष्णा, ये परिवार है तुम्हारा, और तुमने हमेशा अपनी जान पे खेल के इस परिवार की रक्षा की है, और आगे भी करोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए ही धड़कता है। जीत को तुम्हारे सहारे की जरूरत है कृष्णा। नहीं कृष्णा, इसकी बातों में मत आना। जीत को सहारा देने के लिए गौरी है यहाँ, तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ कृष्णा, चली जाओ यहाँ से। नहीं कृष्णा, मत जाना। जीत को तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ से मत जाओ। नहीं कृष्णा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। नहीं कृष्णा, मत जाओ। चली जाओ कृष्णा, चली जाओ यहाँ से। नहीं कृष्णा, मत जाना। शिव,
प्लीज किशमा यहाँ से मत जाओ, पापा को ठीक कर दो प्लीज। आपका बना हुआ खाना से वो पापा ठीक हो जाएंगे, आप चले जाओगे तो पापा ठीक नहीं होएंगे, प्लीज किशमा प्लीज। शिव बेटा हाथ क्यों छोड़ रहे हो? आप इतने प्यार से हमसे कह रहे हो हम रुक जाएंगे या, लेकिन प्लीज हाथ मत छोड़ो। कृष्णा तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम आज भी इस घर के बारे में कितना सोचती हो हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं माँ जी प्लीज रोइए मत। ठीक है, अगर घर में सब लोग यही चाहते हैं ना कि तुम यहां रहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहां रह सकती। अगर इस घर में तुम्हारी अहमियत खाना बनाने वाली से ज्यादा की नहीं होगी और एक बात याद रखना, हमारे पति हमारे प्यार हमारे जीत की जिंदगी में दोबारा वापस घुसने के बारे में सोचना भी मत, और जीत के सामने अपनी जुबान से भी मत खोलना। याद रखना